ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं और आपको ये सब एकेडमिक में पढ़ाया गया होगा। बस अफसोस की बात यही है कि जो आपने एकेडमिक में पढ़ा है वो सब जीरो हो चुका है। शायद अगर आप सीरियस होकर 10th क्लास और 11th क्लास तक की पढ़ाई अच्छे से की होती तो शायद आज आपको इतना समझने में प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही मुझे आज बेसिक मैथ पढ़ाना पड़ता। बेसिक मैथ्स उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे बिल्कुल, अगर सही लैंग्वेज में बोलो, जो गधे हैं उनके लिए। चल अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... अब मान लो कि मुझे 20 का स्क्वायर तक ऐड करना है। अच्छा, जब मैं गधा बोलता हूं तो तुम लोग को बुरा तो नहीं लगता? खुशी होती है। खुशी होती है, वेरी गुड। वैसे गधा जो है वो एक मेल है, मेल, फीमेल नहीं है। गधे को मेल मेल की कैटेगरी में रखते हैं, फीमेल की कैटेगरी में नहीं। तो मैं हमेशा एक गधा बोलता हूं तो लड़कियों को इस बात से खुश होना चाहिए कि सर तो लड़कों को ही बोलते हैं, हम तो फीमेल हैं, हमें तो कुछ बोलते ही नहीं है। सही बात है ना? यस सर। वैसे फीमेल गधे को क्या बोलेंगे? फीमेल गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? सी डंकी। डंकी, सी डंकी। सर्च करके और एक बढ़िया सा नेम बताना तुम लोग, क्योंकि हमें भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं सिर्फ एक ही प्रजाति को बोलता रहता हूँ और दूसरी प्रजाति को नहीं बोलता हूँ, जबकि बोलना उनको भी जरूरी है। चलो देखो, अब मुझे बताओ कि अगर 1 का स्क्वायर से कोई सीरीज शुरू हो रहा है और 20 का स्क्वायर तक गया तो इसमें एन की वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। कितने पद होंगे इसमें? पदों की संख्या कितनी है? 20। ठीक है। इसका सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ठीक। तो करना क्या है, n की वैल्यू 20 रख देना है। आप ध्यान से मेरी बात को समझना, 20। और जब n की वैल्यू 20 यहां रखोगे तो 20 plus 1 कितना हो जाएगा? 21। और इनटू, जब यहां पे आप 20 रखोगे तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 40 हो जाएगा, और 40 प्लस 1 कितना होगा? 41। आ रही है बात समझ? तो देखो, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7 3 21 और 3 2 6। बोलो सही है ना? और इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा। अब हमें केवल 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 287 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2870। अब आंसर सही है, अब ये गलत नहीं। बोलो सही है एकदम। 2870 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा।